बिहार के अगर मुस्लिम बहुल इलाके की बात होगी तो किशनगंज का नाम सबसे आगे आता है। आम तौर पर सीमांचल का किशनगंज जिला राजनीति की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार जिले को एक खास शख्स की वजह से पहचान मिली है। यह शख्स है अजहर इकबाल। दरअसल अजहर इकबाल कारोबारियों के लिए पैसे जुटाने वाले मंच शार्क टैंक इंडिया के जज बने हैं। बिहार के किशनगंज के बहादुरगंज के रहने वाले अजहर इकबाल इनसॉर्ट्स प्लेटफॉर्म के सीईओ हैं। इनसॉर्ट्स एक न्यूज कलेक्शन ऐप है, एक ऐसा ऐप जिसके माध्यम से आप बिना ज्यादा समय व्यतीत कर देश दुनिया की खबरों के बारे में जान सकते हैं। इनसॉर्ट्स वो ऐप है जो सिर्फ 60 शब्दों में खबर देता है। इसे पढ़ने में लोगों को आसानी होती है। अजहर इकबाल बिहार के किशनगंज के बहादुरगंज ब्लॉक के रहने वाले हैं। अजहर ने 10वीं तक की पढ़ाई किशनगंज शहर तेघरिया स्थित ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से किया है। आगे की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली चले गए। इसके बाद अजहर ने आईआईटी जी में 600 के आसपास ऑल इंडिया रैंक लाकर आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया। वहीं पर इकबाल के दिमाग में इनसॉर्ट्स का आइडिया आया। इकबाल इनसॉर्ट्स के अलावा पब्लिक नाम के ऐप के भी को फाउंडर है। इस ऐप को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये लोकल लोगों को खबरों के शेयरिंग का मौका देता है। इकबाल को बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनसॉर्ट्स के पास आज करीब 1374 करोड़ रुपए की फंडिंग है। कंपनी की कीमत करीब 4580 करोड़ रुपए है। यहाँ 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इनसॉर्ट्स का ऑफिस नोएडा में है। हालांकि इनसॉर्ट्स अभी घाटे में चल रही कंपनी है। बता दें कि सोनी चैनल पर दिखाए जाने वाले शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में अब तक 3 नए जज शामिल हो चुके हैं। वहीं पुराने जजों में अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, अमित जैन, पीयूष बंसल और विनीता सिंह भी शामिल हैं। शार्क टैंक इंडिया का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देश भर के बहुत सारे स्टार्टअप अपना यूनिक आइडिया लेकर आते हैं। वह अपने आइडिया को जज यानी शार्क्स के सामने रखते हैं। इसके बाद वह अपने स्टार्टअप का कुछ हिस्सा बेचने की पेशकश करते हैं। अगर किसी जज को आइडिया अच्छा लगता है तो वह अपने स्टार्टअप में एक छोटी हिस्सेदारी लेकर उसमें निवेश कर देता है। इस कार्यक्रम से न सिर्फ इन जज को तगड़ी कमाई कराने वाले स्टार्टअप मिलते हैं बल्कि उनकी खुद की भी खूब पब्लिसिटी होती है। जो स्टार्टअप अपना आइडिया लेकर आते हैं उनकी भी खूब पब्लिसिटी होती है। देखा जाए तो इस मंच से देश के कई ऐसे स्टार्टअप को बड़ी पहचान मिली है जिन्हें इस शो के आने से पहले कोई नहीं जानता था। हालांकि शार्क टैंक इंडिया के जजों पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वह टीवी पर बड़ा वादा तो कर देते हैं लेकिन फंड जारी करने में देरी करते हैं। इस मामले में शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन के चर्चित जज अंशवीर ग्रोवर ने सफाई भी दी थी। भारत पे ऐप के पूर्व को फाउंडर अंशवीर ग्रोवर ने बताया था कि पहले सीजन में उन्होंने 11 डील को सेलेक्ट किया और इसमें 2.95 करोड़ का निवेश कर चुके हैं। अंशवीर के मुताबिक वह शार्क टैंक सीजन 1 के दूसरे ऐसे जज हैं जिन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया है। शार्क टैंक के पहले सीजन में वादे निभाने में महिला कारोबारी नमिता थापर सबसे आगे हैं।